राधे राधे भाई सभी को मेरा प्यार भरा। और आज है सोमवार और मैं हूँ, मेरा है आज सावन का व्रत। और मैं बाबा के मंदिर में, देखिए मेरी मंदिर की तैयारी, जल्दी आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे को मंदिर में जाना, क्योंकि मेरे को देर हो जाएगी, तो मिलती हूँ मैं आकर पूजा करने के बाद। और मैं आज आपको बहुत अच्छी चीज़ बना के दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहना। तो ठीक है भाई, जो मैं सुबह आपको बताने वाली थी, मैं बोल रही थी कि मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ कुछ दिखाऊंगी, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि आज है सोमवार और मैं व्रती भी हूँ, और सावन के महीने में मैंने बोल रखा था कि मैं शिवलिंग बनाऊंगी। तो देखो भाई, मैं लेकर आई हूँ ये मिट्टी, ये बिल्कुल चिकनी मिट्टी हुआ है, काली मिट्टी भी बोला है इसने, मिट्टी कई तरह की हुआ है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, कई तरह की हुआ है। और भाई दोपहर के बिल्कुल 2 बज रहे हैं और अब मैं भागी भागी गई हूँ। और ये मिट्टी, वैसे तो देखो गमलों में भी मिट्टी होती है, लेकिन जो गमले वाली मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी नहीं होती, और इस वजह से, और बल्कि मेरे कस्टमर भी आ गए थे बीच में, और फिर भी मैं भाग के उनकी आईब्रो बढ़ा कर जल्दी सी, और अब मैं 2 बजे भागी भागी गई। और बेचारी जिससे, जहाँ से ये मिट्टी लेकर आई ना, बल्कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, फिर भी उसने है ना एक बार ही बोला, मैं कहा मैंने शिवलिंग बनाना है, बेचारी उस चाची का मैं तेनों को बहुत भला हो, भोले बाबा उसकी तबीयत ने ठीक करा, क्योंकि उसने उठते के साथ बोली ले बेटी मैं ले मैं दे मिट्टी। देखो जिसे कहते हैं ना, जिसे जो चीज़ देनी होती है तो वो कभी भी मना नहीं करेंगे, और वो बहुत खुश हुई, बोली ले जा और बना ले। मैंने कहा चलो ठीक है। तो देखो मिला लो इसने, और सबसे पहले इसमें गंगा जल मिलाना है ताकि मिट्टी और भी अच्छे से शुद्ध हो जावे, ताकि कहीं से भी मिट्टी का वही है, मिट्टी तो वैसे होती तो शुद्ध ही है, लेकिन फिर भी गंगा जल इसमें मिलाना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने भी। तो भाई मैं लेना आई हुई अंदर गंगा जल, क्योंकि ये सो रहे हैं, बारह अंधेरा सा भी हो रहा है, और थोड़ा सा इसमें सबसे पहले गंगा जल जरूर मिलाना, जो कि मैंने अभी वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि गंगा जल से पवित्र कोई जल नहीं है। और अभी इसको मिला लूँ मैं अच्छे से, इसका जो भी है मिट्टी का जो सारा पेस्ट वगैरह अच्छे से कर लूँ मिट्टी को मैं, और जब मेरा पूरा शिवलिंग बन जाऊगा या फिर बनाते हुए भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। मिट्टी है पूरी अच्छी तरह गूथनी है, ताकि ज़्यादा पतली ना हो ज़्यादा, मतलब फिर भी फट जाएगी मिट्टी। जब वो लेकर यूज ना होगा था। और ये मैंने ले रखा है भाई बेलपत्तर, और सबसे नीचे मतलब वेदिक जो बनाएगी इसकी भोले शंकर बाबा की, तो उससे सबसे पहले मैंने ये बेलपत्तर रख लिया है, और मैं बनाना शुरू करती हूँ अपने भोले बाबा का। ये से पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं।
थोड़ी और लंबी करो आगे से। ये है अशोक सुंदरी, ये भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री है। नाग बनाऊं सो, ये देखो भैया नाग और बना दियो। हसस है, ये पतली होगी मिट्टी, दिक्कत यह हो रही है। बोले ना गणा सीधा मन ना लगावे, मन आ गया वो इतना भी सीधा ना है। अरे मन और मगर नाग बनाओ तो यो नेवड़ा बनाओ था। यह बना दी भाई बोले कि नाग, ये नाग देवता जिसी भी बनानी आओ उसी बनाने की कोशिश तो कर रही है। दे और बच जाना कोई मांगा तो उन्हें भी दे दिए बना लेंगे। माटी ली आई थी मैं ज़्यादा। तो भाई मेरा शिवलिंग हो गया है तैयार, ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश करी है बनाने की। आप भी देख लो कैसा लगा मेरे भोले बाबा। अगर आप नहीं पसंद आवे तो कमेंट पर जरूर बताना। और अभी मैं थोड़े से इनको सूखने के लिए रखती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी है ना थोड़ी गिल्ली है इसलिए। तो अब इनकी जब मैं पूजा करूँगी तो आप देख। लड्डू भोले बाबा के कर ले पूजा। भाई भगवान कृष्ण के बिगाड़ तो कुछ भी ना हमारे लड्डू। दो बने बेल पत्र में लगाया हुआ ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कम से भी कम 5 बारी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहिए।
एक घोड़ा यो बैठा, एक घोड़ा यो बैठा, एक बार लास्ट में जल छोड़ा दे। श्री शिवाय नमस्ते, 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 श्री शिवाय नमस्ते। विसर्जन हम आ चुकी हूँ विसर्जन करने के लिए। भाई देखो हमारी चलती नहर है ये, और यहाँ पर मैं अपने बड़े बाबा का कर रही हूँ विसर्जन। पार्थिव शिवलिंग कैसा लगा, जो मैं विसर्जन भी करके आई हूँ और जो मैंने बनाया था सब कुछ कैसा, जैसा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और भोले बाबा की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको राधे राधे, खुश रहना और मस्त रहना और राधे राधे बोलते रहना। और घंटे भी बजा दी।